दोस्तों अब सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन का ही सेट डाला जाएगा। कारण बता दे रहे हैं कि अब टेक्नीशियन का फॉर्म निकला है, टेक्नीशियन का फॉर्म डाला जा रहा है, तो एएलपी टेक्नीशियन में सब सुविधा ये होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रीजनिंग से रिजल्ट होने वाला है। तो सबसे अच्छा है कि हम इसी चीज़ को तैयार करें अच्छा ढंग से, जिससे आपको पिछले प्रीवियस 14 का ये सब क्वेश्चन 2014 में जो सवाल पूछा गया था उसका ये टोटल क्वेश्चन डाला जा रहा है। 14 के बाद 18 में पूछा था, 18 का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। था इस छात्रों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, इस प्रकार के उपहारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 30 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, इस प्रकार के उपहारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सीधा सी बात है, नंबर से निकालो n n-1, ये स्ट्रिक ले लो। इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये स्ट्रिक पर आप निकाल लो। n कितना है 30, और 30-1 बराबर हो जाएगा 30 × 29। चलिए 9 × 27 के साथ, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, आपका ये सुपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा चेक करना नहीं है क्वेश्चन में, बस आप लगाइए ट्रिक और कम समय में रफा दफा भी कीजिए। आगे चलिए, 50 लीटर मिलावटी दूध में 20% पानी है, कितनी और पानी इसमें मिला दिया जाए ताकि इसमें पानी की मात्रा 25% हो जाए। सिंपल सा बात है, पानी मिलाया जाता है, दूध इसका स्थिर है, तो दूध पे निकालेंगे, जो स्थिरता चीज रहता है उस पे सॉल्यूशन करते हैं। पानी तो मिलाया है, कम बेसी होगा तो उससे हम कार्य को करेंगे नहीं। तो देखिए 50 लीटर में 20% पानी है तो दूध कितना है, ये 20% पानी है तो दूध कितना होगा इसमें, तो दूध हो जाएगा आपका 80%, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 80%। अब इसमें कितना मिला दिया जाए, 50 प्लस x मिला दिया जाता है लीटर पानी, तो इसका अनुपात कितना कितना प्रतिशत मात्रा हो जाती है, तो मात्रा 25% हो जाती है। तो ठीक है मेरा दोस्त, 25% के मतलब हो गया क्या कि 75% दूध बचा। अगर पानी 25% है, पानी 25% है, 25% तो दूध कितना होगा 75%। पानी है 25%, पानी 25% तो दूध कितना हो जाएगा, दूध आपका 75% हो जाएगा, ठीक है। आप परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, 15 × 75 = 16 × 80। अब ये काट दे, इससे इसे गुना कर, 16 × 80 और 1 0 बैठा देता 800, अब बराबर ही 15 × 75 = 750 और प्लस 16 × 15 = 1, ठीक है। अब इसको इस यहाँ लाइए तो 800 − 800 − 750 = 15 × 1, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 50 = 15 × 1, 5 × 15 = 50, यानी 3 × x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर 10/3, आइए आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कला एक राशि और ब और स में क्रमशः 4:5:5:10 में विभाजित की जाती है, यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर 100 से 1000 कम है तो उसमें अ के शेयर का मूल्य कितना होगा। कह रहा है क्या कि अ और ब के टोटल शेयर का योग 100 के शेयर से कम है, 1000 कम है, तो अ का शेयर क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। सवाल एकदम आसान है, सबसे पहले लिख लेंगे अ ब और स, अ का कितना है 4:5:10, सब में एक्स लगा लो, ठीक है, एक्चुअल आ जाएगा ये। अब ये कह रहा है ये दोनों का योग इससे कम है, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 9x, और इससे कम है 10 से, तो इसमें आप क्या करें 10 में से माइनस कर लें, तो कितना क्या अंतर आ रहा है 1000 का, तो 1000 यानी इस दोनों का माइनस करते हैं तो एक्स बराबर 1 यूनिट = 1000 के बराबर। तो कह रहा है अ का शेयर क्या है, तो अ का शेयर कितना है 4 है, तो यानी 4x है, तो 4 × 1000 यानी अ का कितना मिल जाएगा शेयर 4000 रुपया मिल जाएगा, यही आपका क्या होगा।
आंसर शो करेगा ऑप्शन में, ठीक है। आप अच्छे से लगाएंगे क्वेश्चन को, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। 14 और 18 का क्वेश्चन आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन।